नमस्कार दोस्तों, ये आफ्टरनून अपडेट है और मार्केट साइडवेज कह लीजिए आप। निफ्टी में साइडवेज टू पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में साइडवेज टू नेगेटिव है, पर यहाँ पे जो ट्रेड बनेगा वो मुझे बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले आप एक चीज़ नोट करिए, अगर आज की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की रेड आती है, ठीक है, मतलब 44,900 के बिलो अगर क्लोजिंग आ जाती है, आज की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की अगर 44,900 के बिलो अगर होती है तो 90% चांसेस हैं कि हम ये लो दोबारा ब्रीच करेंगे जो लास्ट थर्सडे को बना था 44,300 के आसपास। तो ये पॉइंट नंबर वन चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आज के इंट्राडे में जो मैंने टेलीग्राम पे लिखा है 45,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो भैया बाय कर लीजिएगा, फिर 250-300 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर 45,000-250-300 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर 45,000 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। और थोड़ा वेट कीजिए, क्लोजिंग बेसिस में यही बोलूँगा, इंट्राडे सेल 44,750 के नीचे है इंट्राडे सेल, ठीक है। तो मैंने दो तीन चीज़ कवर की है, बैंक निफ्टी पे फोकस करिए। निफ्टी 19,500 के नीचे ही ख़राब होगा, जब तक 19,500 के ऊपर है तो वो साइडवेज टू पॉजिटिव टाइप ही रहेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी पे फोकस करिए क्योंकि उसके जो प्राइसिंग है वो 45,000 के नीचे ट्रेड कर रही है। इधर इट विल ब्रेक और इधर इट विल सस्टेन अबव 45,000, तो उसमें इंट्राडे लेवल 45,000 और 44,750 है। और पोजिशनल बेसिस क्लोजिंग का वेट करिए, अगर 44,000 यहाँ पर भी क्लोजिंग आ गई ना जहाँ पे चल रहा है फिलहाल, तो कल ये ब्रेकडाउन दे जाएगा, कल या परसों में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।